ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये श्लोक जो कल हमने भागवतम क्लास में लिया था, तो प्रभुपा जी कहते हैं कि इसमें हर एक आइटम के ऊपर प्रभुपा जी कुछ बोलते हैं। तो उसमें कीर्तनम यानी चैंटिंग के बारे में प्रभुपा जी कहते हैं कि कैसे नाम जब में अपराध से मुक्त हुआ जाए, तो प्रभुपा लिखते हैं उसमें कि दो प्रेयर्स देते हैं जो हमें नाम जब पूरा होने के बाद में वो प्रार्थनाएं अर्पण करने चाहिए। जैसे आप में से जो लोग अर्च्य विग्रह की सेवा करते हैं, तो अर्च्य विग्रह की सेवा के बाद कुछ प्रेयर बोले जाते हैं, अपराध तु सहस्त्राणि, ऐसे नाम जप के बाद। श्रील प्रभुपा ये दो श्लोक बताते हैं, किसी को पता है वो कौन से दो श्लोक हैं? निखिल श्रुति मौली रत्न, ये रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है, नामाष्टक से है, ये एक श्लोक है। और निवृत्त तरशेर उपगीयमान, या मान लो आपको श्लोक नहीं भी पता है तो भी मन मन ऐसे श्री नाम प्रभु के जो विग्रह हैं, हरे कृष्ण मंत्र जो लिखा हुआ है, के सामने हम प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं कि नाम जप में जो भी कोई अपराध हुए हैं वो क्षमा कर दें। तो दो तीन चीज़ें हैं अपराध दूर करने के लिए। एक तो कल हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों को याद करने से अपराध दूर हो जाते हैं। और दूसरा है कि ये दो प्रेयर्स हैं जो अभी बाद में मैं उनको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग गा सकते हैं प्रेयर, निवृत्त तरशेर उपगीय माना और निखिल श्रोति रत्नमाला। और तीसरा है कि कॉन्स्टेंट चैंटिंग, निरवधि नाम लय, कॉन्स्टेंट नाम लेने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे तो एक ब्राह्मण से मिले, तो ब्राह्मण को बीमारी हो गई थी, कुष्ठ रोग हो गया था, और उसका नाम था वासुदेव, और चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा के उनके बीमारी से मुक्त कर दिया। तो जनरली अगर कोई बीमारी से मुक्त होगा तो बहुत खुश होता है, लेकिन ये ब्राह्मण बहुत दुखी थे। क्यों? वो सोचे थे मुझे अभिमान हो जाएगा। तो महाप्रभु ने बोला आप निरंतर नाम लो तो अभिमान नहीं होगा। तो नाम जब अपराध से दूर करने का एक ही तरीका है कि 24 आवर्स नाम लेना, 24 घंटे लेना। इसका मतलब क्या है 24 घंटे लेना? मतलब 16 माला तो माला पे करते हैं, बाकी ग्रुप में, जूम ग्रुप में, अपने परिवार में, घर में करते हैं। उसके अलावा जब टाइम नहीं भी हो तो मन ही मन भगवान का नाम लेना है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कीर्तनीय सदा हरि। स्पेशल दिन होता है जैसे अक्षय तृतीया थी, एकादशी को, तो हम बैठ कर करते हैं 64 माला। बाकी दिन अगर हम 64 नहीं भी कर सके तो मन ही मन कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेना है। तो कॉन्स्टेंट भगवान का नाम लेने से नेचुरली भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। निरंतार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय बाय प्रेम। बिना अपराध के नाम जब करने से प्रेम मिलता है। और अपराध दूर करने का तरीका क्या है? सतत कॉन्स्टेंटली गाना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम प्रभु की जय। आइए हम सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सब भी के समान है, सब लोग की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, दया के सागर हैं और पति जनों का उद्धार करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यस्त कृपा सिंधुभ्य एवच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।